ज्येष्ठ पूर्णिमा के मंगलमय पर सदिच्छा। तो दोस्तों, आज दिनांक 14 जून शुभ दिन के अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का आपको सभी को शुभेच्छा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठ मासु भी कहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पर भगवान के जन्म जीवन में दो महत्वपूर्ण घटना हुई। एक घटना इन्हें सम्राट अशोक के काल में हुई। भगवान बुद्ध के प्रथम उपासक तपस्सु और भल्लिक, इनकी धम्म दीक्षा। दूसरा, सुजाता को धम्म दीक्षा दी। तीसरा, महेंद्र और संगमित्रा, इन्होंने श्रीलंका में बुद्ध धम्म के प्रचारक का प्रस्थान किया। श्रीलंका भगवान बुद्ध का प्रथम उपासक तपस्सु और भल्लिक, इनको धम्म दीक्षा दी। भगवान गौतम बुद्ध के ध्यान प्राप्ति होने के बाद राजा जयत वृक्ष पर आसनस्थ रहते हुए इनके तरफ तपस्वी और भल्लिक नाम के दो भाई थे। ये दोनों ही व्यापारी थे और 500 गाड़ियों में माल भर के उनके मार्ग से मध्य प्रदेश व्यापार के लिए जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने देखते ही उन्होंने नमन किए और उनको शहद और कुछ चपाती दी। तथागत ने उनका स्वीकार किया और वो दोनों बंधुओं ने प्रार्थना करके उनके सिर के कुछ के बाल सुमति चिन्ह के रूप में दिए। उपासक ने उपासक करके संबोधित किया। धम्म के ये प्रथम देवाचिक उपासक ठहरे। सुजाता को धम्म दीक्षा दी। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर अर्पण की। उसी टाइम पर भगवान बुद्ध ने बुद्ध के तरफ से सुजाता ने ये वचन ली थी कि बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में आप मुझे मिलने को आना। इसलिए भगवान बुद्ध ने सुजाता के उसके गांव में जाकर सुजाता, उसका पति और उसका पुत्र इन्हें सद्धर्म की दीक्षा दी। वाराणसी के पहले कुटुंब है जिन्होंने भगवान बुद्ध ने सदा परिवार दीक्षा दी। तीसरा, महेंद्र और संगमित्रा, इनके श्रीलंका में बुद्ध धम्म का प्रचार के लिए प्रस्थान हुआ। सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र और कन्या संगमित्रा, इन्होंने उम्र के 20 यानी महेंद्र 20 और संगमित्रा 18 साल की ही प्रवज्जा लेकर 12 वर्ष तक बुद्ध धम्म का अध्ययन किया। अपने साथ 4 भिक्कु और 2 श्रावणक को लेकर श्रीलंका में बुद्ध धम्म प्रचारक का प्रस्थान किया। लंका द्वीप के
अनुराधापुरम में भारत के लाए हुए बुद्ध वृक्ष की शाखाओं का प्रतिस्थापना की। वो दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा ही था। सभी उपासक उपासियों को ज्येष्ठ मास तो शुभकामना के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। किंचापि ते हन्ति पुसंपमन्ता न तीर्थ
जो बुद्ध वाणी सुने ये धम्म है, पुण्य है, कुशल कर्म है। इस पुण्य के अनुभव से तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हैं। जो बुद्ध वाणी सुने ये शरण
अद्भुतम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। संगम शरणम गच्छामि, इनका नाम था बौद्ध धर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय राजा के काम नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहां से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे सन्यासी हैं, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध धर्म उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है मुझे, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूं। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना,
पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। बौद्ध धर्म कहते हैं पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है यह कैसी बात बौद्ध धर्म ने कही उससे। राजा कहता है आपने क्या कहा, कृपा करके एक बार और बताएंगे। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ जाओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचता है और कहता है मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है आप यह कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे सकूं, मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं ठीक है बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं राजा आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा कहता है नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध धर्म से कहता है नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे दो दिन से कर रहा था। राजा बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रख कर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देता है और कहता है मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला पर शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। तो दोस्तों आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी शर्मा इंस्पिरेशनल स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। साथियों 60 साल एक आदमी अपनी जिंदगी का तजुर्बा
Yeah.